के लिए जो टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं उसे हम होल्डिंग टूल्स कहेंगे। ठीक है, तो होल्डिंग टूल्स में पहला जो हम लोग का आता है बेंच वाइस। बेंच वाइस का आप लोग का ये वाला तस्वीर है, इसे बेंच वाइस कहते हैं। ठीक है, ये किस चीज़ में यूज़ होता है? मान लीजिए किसी चीज़ को हम लोग को फाइलिंग करना है, तो किसी में तो होल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो फाइल नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए इस वाइस का यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका जो पार्ट्स है मैंने दिखाया हुआ है, जो पार्ट्स आप लोग देख पा रहे हैं, इसको मूवेबल जॉ कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मूव करता है, जो हैंडल रहता है, ये जो हैंडल रहता है इसको हम कसने से ये आगे पीछे जाता आता है। तो इसमें हम लोग किसी मेटल को हम लोग इसमें फंसा दिया और इसको टाइट करने से ये इसमें फिक्स हो जाएगा। फिर हम लोग उसको फाइल से घस सकते हैं या फिर कोई सॉ से, हैंड सॉ से काट सकते हैं। कुछ भी ऑपरेशन हम लोग बेंच वाइस पे कर सकते हैं किसी चीज़ को। दूसरा है वी ब्लॉक। वर्कशॉप में जो बहुत तरह का आप लोगों को मटेरियल मिलेगा, ठीक है, तो उसमें जो राउंड मटेरियल है वो तो भी जो आप लोगों को जो पहले दिखाया है ये वाला नहीं है। ये जो बेंच वाइस है इस पे अगर अगर कोई आपको राउंड मटेरियल काटना है तो स्लिप खा सकता है। ठीक है, तो उस जगह के लिए ये वी ब्लॉक यूज होता है। इसमें आप कोई भी जो सिलिंड्रिकल वर्क है वो इसमें फंसा के आप लोग काम कर सकते हैं। किसी को इस चीज़ में कुछ जानना है? वी ब्लॉक, वी ब्लॉक का जो साइड के एंगल रहता है, इधर वी ब्लॉक का जो एरो हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो इसका जो एंगल रहता है वो 45 डिग्री का एंगल रहता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है होल्डिंग टूल में सी क्लैंप। सी क्लैंप किस चीज़ में यूज़ होता है? ये वी ब्लॉक को किसी बेंच या टेबल पे फंसाने के लिए सी क्लैंप यूज़ होता है, या फिर किसी भी तरह का मेटल उसको भी हम लोग बेंच में अगर फंसाना चाहते हैं तो उसके लिए सी क्लैंप हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये आप लोग का सी क्लैंप है, ये सी क्लैंप का सभी पार्ट्स का हमने एरो से दिखा दिया है। जो सी क्लैंप का पार्ट्स है इसको बॉडी कहते हैं। ये बेसिकली आप लोगों का इसमें भी दो तरह का जॉ होता है, जो आप लोगों ने देखा बेंच वाइस में। इसमें भी एक मूवेबल जॉ होता है, एक फिक्स जॉ होता है। ये जो पार्ट्स है आप लोगों का जो जिसमें थ्रेड किया हुआ है, ये इसको हम मूवेबल जॉ कह सकते हैं, जिसमें स्क्रू लिखा हुआ है। इसको हम टाइट भी कर सकते हैं या फिर लूज भी कर सकते हैं किसी मेटल को फंसाने के लिए। ओके, तो ये तीनों एग्जाम्पल मैंने होल्डिंग टूल्स का दिखाया, और भी होल्डिंग टूल्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं ये जो आपको आप लोगों का जो PDF दूंगा उसमें मेंशन कर दूंगा क्या क्या और भी होल्डिंग टूल्स हैं। तो होल्डिंग टूल्स में मेन जो जिसमें ज़्यादा आप लोगों का काम है वो है आप लोगों का बेंच वाइस। ये बेंच वाइस पे ही आप लोगों का ज़्यादा काम करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी मेटल को घिसने के लिए, फाइलिंग करने के लिए जो चीज़ हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है बेंच वाइस। बेंच वाइस से आप लोगों का एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि बेंच वाइस का आप पार्ट वगैरह पूछ सकते हैं। तो इसको अच्छे तरह से याद कीजिएगा कि बेंच वाइस का पार्ट्स आप लोगों को एग्जाम पे आ सकता है। और भी पूछ सकते हैं जो बेंच वाइस का जो बॉडी है वो किस चीज़ से बना हुआ रहता है। बेसिकली जो बेंच वाइस का जो बॉडी है वो कास्ट आयरन से बना हुआ होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कटिंग टूल्स में। जो कटिंग के लिए जो टूल्स यूज होते हैं उसको हम बेसिकली कटिंग टूल्स कहते हैं। तो कटिंग टूल्स पे हम लोग आते हैं। कटिंग टूल्स में पहला जो नाम आता है उसको हैक्सो कहते हैं। और बेसिकली ये मैनुअली है, आपको किसी भी मेटल को काटना पड़ता है तो हम लोग हैक्सो का यूज़ करते हैं। ये सबको ही अपना घर में यूज़ किया हुआ होगा या फिर देखा हुआ होगा इसको।
कटिंग टूल्स मतलब हैक्सो को। ये इसका कटिंग टूल्स दो तरह के होते हैं आप लोग के। एक तो है जो एडजस्टेबल होता है और एक फिक्स टाइप का होता है। एडजस्टेबल आप लोग पहला वाला जो पिक्चर है उस पर आप देख सकते हैं, मैं जो अपना कर्सर रख रहा हूँ, ये जो पोर्शन है ये इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो ब्लेड है, ब्लेड का लेंथ अगर हमको बढ़ाना है, कहीं किसी बड़ा ब्लेड को हमको लगाना है, तो इस फ्रेम को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसको खोल के इसको बढ़ा भी सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा ब्लेड भी हम लोग यूज कर सकते हैं और बड़ा ब्लेड भी यूज कर सकते हैं एडजस्टेबल फ्रेम में हैक्सो का। और नेक्स्ट जो आप लोगों को पिक्चर दिखाई दे रहा है बगल में, जहाँ पर मेरा कर्सर सबको दिखाई दे रहा, तो जी ये सर, हाँ ये फिक्स्ड है आप लोगों का, ठीक है। इस पे फिक्स तरह के ब्लेड लग सकता है। तो ये दो तरह के हैक्सो हो गया। हैक्सो बेसिकली आप लोगों का काटने के लिए यूज होता है। इसमें यहाँ पर दिखाया लिखा हुआ है, देखिए, जो इसमें 5 से 15 सेंटीमीटर का जो टीथ रहता है वही ब्लेड इसमें लग सकता है। तो इसमें का जो हैक्सो होता है, हम लोग मेनली जो नरम तरह के मटेरियल होता है, जैसे जैसे एल्युमिनियम है, ब्रास है, ब्रोंज है, इसको काटने के लिए हम लोग मैं ये हैक्सो का यूज करते हैं। और वैसे भी हार्ड मटेरियल को काटने के लिए हम लोग हैंड सॉ जो रहता है वो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जो नरम मटेरियल है उसको काटने के लिए हम लोग हैक्सो का यूज करते हैं। ये बेसिकली कास्ट आयरन से भी बना होता है और आप लोग ऐसे आयरन से भी, नॉर्मल आयरन से भी बना बना हो सकता है इसका बॉडी, ठीक है। और जो ब्लेड है आप लोगों का वो एकदम नेक्स्ट जो है चीजल, इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में छेनी भी कह सकते हैं। जो जैसे जो जो लोग घर बनाते हैं, राजमिस्त्री होता है, उन लोगों के पास आप लोग देखिएगा जो वो लोग दयाल को होल करते हैं उसको, उसमें ये इसको यूज करते हैं, इसको चीजल कहा जाता है, ठीक है। तो चीजल लिखिएगा, ये कार्बन स्टील से बना होता है, ठीक है। ये ऑक्टोगोनल भी होता है और हेक्सागोनल भी होता है। ये हार्डन जो इसका जो टिप होता है चीजल का, ये हार्डनिंग किया होता है। हार्डनिंग क्या होता है आप लोग देखे होंगे, जो जो लोग मतलब जो ब्लैक स्मिथ है, जो लोहा का चीज बनाते हैं, ठीक है, वो लोग किसी कोयला में गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद ही तुरंत पानी में दे देता है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, जो मटेरियल रहता है वो हार्ड हो जाता है, वो नॉर्मल लोहे से थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो चिजल के जो पॉइंट है उसको हार्डनिंग किया जाता है, ताकि वो जब किसी मेटल को या फिर कोई भी चीज को काटे वो जल्दी से ना टूटे। तो चिजल भी वर्कशॉप में यूज होता है, ठीक है, किसी भी पतला शीट को काटने के लिए हम लोग यूज करते हैं चिजल को। ये भी कटिंग टूल्स में आता है। नेक्स्ट जो आता है कटिंग टूल में सबसे इम्पोर्टेंट है ट्विस्ट ड्रिल। किसी भी ड्रिलिंग प्रोसेस प्रोसेस को करने के लिए ये ड्रिल का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये भी हाई स्पीड स्टील से बना हुआ आता है। ट्विस्ट ड्रिल का आप लोग, ट्विस्ट ड्रिल से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, ट्विस्ट ड्रिल का भी ड्राइंग भी करने देता है, ठीक है। तो ट्विस्ट ड्रिल का ये जो ड्राइंग मैंने यहाँ पर जो पिक्चर देखे रखा हूँ, तो इसको अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है। इसका पार्ट्स पूरा अपना ड्राइंग करके पार्ट्स को मेंशन करना पड़ता है एग्जाम पे। तो ट्विस्ट ड्रिल का जो एकदम पीछे वाला हिस्सा है, जहाँ मेरा कर्सर है आप लोग देख सकते हैं, इसे टैंक कहते हैं, ठीक है, TANG टैंक। ये किस चीज में काम आता है, जब आप ड्रिल कीजिएगा, ड्रिल का इस जो पोर्शन है इसको तो किसी मशीन में फंसाना पड़ेगा, फिर जाके ये घूमने लगेगा ना। तो ये जो टैंग होता है, जो लास्ट वाला पोर्शन एकदम, तो ये जाके फंस जाता है, ठीक है। और ये जो टैपर वाला पोर्शन है इसे सैंग कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा? तो सैंग दो तरफ का होता है, ठीक है, मतलब दो दो टाइप का होता है।
एक तो स्टेट्स है, इसमें पहला वाला जो इमेज है आप देख सकते हैं, इसमें कोई मतलब एकदम स्ट्रेट है, जो पिछला वाला हिस्सा है टूरिस्ट डील का पूरा स्टेट है, इसे स्टेट सैंक कहते हैं। और नीचे का जो इमेज है, सेकंड वाला जो इमेज है, उस पे थोड़ा देखिए कार्व है, तो इसको टेपर सैंक कहते हैं, ठीक है। और ड्रिल का जो हिस्सा है उसे फ्लूट्स कहते हैं, देखिए जो स्पाइरल जो हिस्सा है ड्रिल का, जिससे हम लोग किसी भी मेटल या फिर वुड को काट सकते हैं, उसको फ्लूट्स कहते हैं उसका जो। तो ड्रिल को अच्छी तरह से देखिएगा, इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा, ड्रिल का जो दोनों इमेज है, ठीक है। ड्रिल का जितना भी पोर्शन है जिससे जो यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है, तो मैंने जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसके बारे में बात किया, जो पहला हो गया आपका टैंक हो गया, सैंक हो गया, ठीक है, फ्लूट हो गया, तो ये तीनों चीज़ आप लोग का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसको पॉइंट आउट करने बोलता है जे कि डील का एक ड्राइंग बनाओ, उसका इम्पोर्टेंट पार्ट दिखाओ, या फिर पार्ट्स आपको पोर्शन का नाम दे दिया कि टैंक को मेंशन करो, या फिर सैंक को मेंशन करो, या फिर फ्लूट्स को मेंशन करो, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है, कौन सैंक है, कौन टैंक है, किसको फ्लूट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का कटिंग टूल। कटिंग टूल में मैंने तीनों चीज दिखाया, तीनों एग्जांपल दिखाया, एक तो आपका हो गया हैक्सो, दूसरा हो गया आपका चिजल, और तीसरा हो गया आपका ट्विस्ट ड्रिल। इसमें मैंने जो दो टूल्स के बारे में आप लोगों को बताया, एक हो गया होल्डिंग टूल्स, दूसरा हो गया कटिंग टूल्स। तो होल्डिंग टूल्स और कटिंग टूल्स किसी को समझ में, सबको समझ में आया गया ना, या फिर कोई ऐसा है कि समझ में नहीं आया? अगर कोई है तो पूछ सकता है कि मार्किंग और मेजरिंग टूल्स ये क्या होता है, मार्किंग और मेजरिंग टूल्स। मान लीजिए किसी मेटल को हमको जो नाप दिया रहता है ड्राइंग के हिसाब से काटना है, तो काटने से पहले उसको हम लोग चौक से या फिर कुछ चीज से मार्क करना पड़ता है कि गलत ना हो जाए, इसीलिए हम लोग को मार्किंग करना पड़ता है कोई किसी भी मेटल को काटने से पहले, ठीक है, या फिर जो ड्राइंग में जो मेजरमेंट दिया गया है उसको नापने के लिए हम लोग को मेजरिंग टूल्स का भी यूज करना पड़ता है। तो इसीलिए मार्किंग टूल और मेजरिंग टूल हम लोग को फिटिंग शॉप के सिलेबस में आया है। तो मार्किंग टूल में पहला वाला जो है उसे सरफेस प्लेट कहते हैं, एकदम बेसिक चीज है, किसी भी चीज को हमको मार्क करना है, उस पे मार्क लगाना है, तो हम लोग सरफेस प्लेट में रखे ही लगाएंगे। ये जो सरफेस प्लेट है, ठीक है, ये एकदम इसका जो सरफेस है वो एकदम पैरेलल रहता है, एकदम एकदम स्मूथ रहता है, उसमें कोई भी आप लोगों को ढलान नहीं महसूस होगा, है वो बेसिकली कास्ट आयरन से बना होता है, या फिर ग्रेनाइट स्टोन से भी बना हुआ होता है। ग्रेनाइट स्टोन का जो सरफेस प्लेट है वो सबसे महंगी वाला है, ठीक है, इसका जो एज रहता है इसमें आपको कोई भी एक तो भी होल नहीं मिलेगा, या फिर उसका सरफेस जो रहता है एकदम स्मूथ रहेगा, ठीक है। कास्ट आयरन का भी वो चीज़ है, लेकिन थोड़ा मतलब एक्सपेंसिव कम है थोड़ा। तीन तरह के आप लोगों को, तीन तरह के मेटल से आप लोगों को सरफेस प्लेट दिखेगा, एक तो है कास्ट आयरन, दूसरा है हार्डन स्टील, और तीसरा है ग्रेनाइट स्टोन, ठीक है। तो सरफेस प्लेट हम लोग किस चीज में यूज करें, मान लीजिए किसी को किसी भी मेटल को हमको रख के उस पर एक तो हॉरिजेंटली उसको नाप लेना है, ठीक है। अगर नीचे का सरफेस अगर एकदम स्ट्रेट नहीं रहेगा तो हम लोग उसका नाप सही से नहीं ले सकते हैं, इसीलिए हम लोग मार्किंग सरफेस प्लेट का यूज करते हैं, ठीक है।
तो मार्किंग और मेजरिंग टूल्स में दूसरा आता है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर किस चीज में यूज होता है? बेसिकली ट्राई स्क्वायर हम लोग यूज करते हैं किसी भी मेटल को, ठीक है, उसका एंगल मार्जिन बनाते हैं, मार्जिन बना लेके पेन का यूज करते हैं या फिर पेंसिल का यूज करते हैं, स्केल का यूज करते हैं। तो हम लोग जब किसी भी मेटल को काटेंगे तो उस पे अगर हम लोग को कोई मेजरमेंट ड्रॉ करना पड़ता है तो उसपे उससे तो हम लोग पेंसिल से नहीं ड्रॉ कर सकते। तो किस चीज से हम लोग ड्रॉ करते हैं? बॉय स्क्राइबर। स्क्राइबर के मदद से हम लोग किसी भी मेटल के ऊपर हम लोग स्क्रैच कर सकते हैं या फिर कोई लाइन बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जो स्क्राइबर को मैं जिस स्क्राइबर का जो इमेज मैंने दिया है, बहुत तीन तरह का स्क्राइबर मैंने यहाँ पर दिया है। एक तो सिंगल पॉइंट पॉकेट टाइप स्क्राइबर और एक तो है सिंगल पॉइंट। इसको पॉकेट टाइप इसलिए कहा गया, ये बहुत छोटा है, इसको हम लोग पॉकेट में हम लोग रख सकते हैं, तो इसीलिए इसको पॉकेट टाइप कहा गया है। और एक तो इधर दिया गया है सिंगल पॉइंट, दोनों एक ही तरह का है। और एक तो इमेज आप लोग देख सकते हैं बेंड पॉइंट, ठीक है, इसका दोनों दोनों सिर से हम लोग किसी भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर ये जो बेंड पॉइंट है, मान लीजिए कोई स्ट्रेट पॉइंट जो है वो किसी जगह पे नहीं जा सक रहा है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग ये बेंड पॉइंट का स्क्राइबर देके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। स्क्राइबर का जो आप लोगों का टिप होता है जो, ठीक है, वो 12 डिग्री से 15 डिग्री होता है और इसका जो लंबाई होता है वो 125 mm से 255 mm तक होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इट हैज टू पॉइंट एंड्स एंड द बेंट एंड इज यूज फॉर मार्किंग लाइन्स वेयर द स्ट्रेट एंड कैन नॉट रीच। जहाँ पर स्ट्रेट एंड नहीं जा सकता है वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बेंड पॉइंट है उसको हम लोग लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है कैलिपर, ये मेजरिंग टूल्स का एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है, इसको बढ़िया से याद कीजिएगा। यह भी आप लोगों का एग्जाम पे जो आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 1 जो है, ठीक है, उसमें आप लोगों का क्वेश्चन आता है यहाँ से, वर्कशॉप प्रैक्टिस से ही। वर्कशॉप का जो टूल्स होता है वो ड्रॉ करने बोलता है वहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 1 का एग्जाम पे। तो कैलिपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है उस चीज में, कितने टाइप के कैलिपर होते हैं, वो कैलिपर का क्या क्या काम है वो पूछा जाता है। यहाँ पर मैंने जो चार तरह के कैलिपर है उसका इमेज मैंने दिया है। जो पहला वाला है उसको, ये भी एक कैलिपर होता है, इसका अलग सा नाम भी है, इसको डिवाइडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिवाइडर, डिवाइडर हाँ डिवाइडर। ओके, तो डिवाइडर का काम क्या होता है? मान लीजिए हम लोगों का जो मेटल है वो कोई गर्म पोजीशन पे है, मतलब बहुत ही उसका गर्म है मतलब, तो उसमें हम लोग अगर कोई नाप लेना चाहते हैं तो स्केल से तो वहां पर नाप ठीक से नहीं ले सकते। तो डिवाइडर क्या करता है, हम लोग नाप को पहले से स्केल में बैठा के, डिवाइडर को बैठा के हम लोग ले सकते हैं, उसको दूसरा जगह पर ले जाके मतलब जो मेटल है उस पे रख के हम लोग माप ले सकते हैं। तो डिवाइडर का काम क्या है, डिवाइडर करता है क्या, डिवाइडर एक तो माप को दूसरा जगह पर लेके जा सकता है, ठीक है, तो किसी भी मतलब नाप को कैरी करता है डिवाइडर। तो पहला वाला जो इमेज है वो डिवाइडर है, ये एक तरह का कैलिपर भी है, ठीक है। दूसरा वाला जो आप लोग देख पा रहे हैं उसको आउटसाइड कैलिपर कहा जाता है, ठीक है, आउटसाइड। इसको हम आप लोगों को वीडियो करके दिखाऊंगा या फिर जिस दिन वर्कशॉप पे क्लास करवाऊंगा तो प्रैक्टिकल में वीडियो में दिखाऊंगा वो किस तरह का होता है। ऐसे भी इमेज में आप लोग देख पा रहे हैं कि डिवाइडर
जो इनसाइड इनसाइड नहीं आउटसाइड जो कैलिपर है वो किस तरह का देखने के होता है, लेकिन मैं लाइव जब दिखाऊंगा तो आप लोग और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा कोई डिवाइडर क्या है, इसका काम क्या है। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे ठीक है वीडियो में दिखाऊंगे नेक्स्ट क्लास में। तो पहले देख लीजिए क्या क्या आपको कौन सा टूल्स किस में जाता है। ठीक, तो दूसरा वाला हो गया आपका आउटसाइड कैलिपर। ये आउटसाइड कैलिपर क्या होता है, किसी भी ये भी डिवाइडर का तरह ही काम करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका जो है वो इनसाइड कैलिपर है। ठीक है, किसी भी यह भी आपका नापी नाप को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए यूज होता है। ठीक है, और उसका नेक्स्ट जो है जेनी कैलिपर है, यह आपका नाप भी ले सकता है या आपका जो स्क्राइबर का भी तरह काम कर सकता है। इसका एक पॉइंट देखिएगा, इस पे एक तो पॉइंट लगा हुआ है, एक तो एंड है जिस पे स्विच की तरह लगा हुआ है। इससे हम लोग इसकी मदद से हम लोग मार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलिपर समझ में आ गया सबको? यस ओके, तो ओम पकस बोलिए तो यहाँ पर 4 ठो कैलिपर है, तो किसका क्या नाम है, या फिर 4 ठो कैलिपर का नाम बताइए। तो मैंने जो कहा अभी सर। पहला वाला जो है इसका क्या नाम है, ये इंटर और ये इसको डिवाइडर कहा जाता है। डिवाइडर ये भी एक तरह का कैलिपर ही है, इसीलिए कैलिपर के अंदर ही इसको रखा है, इसको अलग से डिवाइडर कहा जाता है। ठीक है, और यस सर, नेक्स्ट जो है ये सारा सर डिवाइडर ही हमको लग रहा है सर। नहीं, इसका जो टिप है ना, जो एकदम मुंह है उसको देखिए अलग अलग है। ठीक है, सर जो डिवाइडर है दोनों ही मुंह एकदम पतला है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है इसको मैंने पहले थोड़ा गलत बता दिया था, इसको पहला वाला जो है मतलब सेकेंड वाला जो इमेज है इसको इनसाइड बोलता है, और जो थर्ड वाला इमेज है उसको आउटसाइड बोलता है। मैंने पहले थोड़ा गलत बताया था, इसको आपको मैंने आउटसाइड बताया था और थर्ड नंबर को इनसाइड बताया था। तो जो मतलब सटीक है वो है ये जो सेकंड वाला इमेज है वो इनसाइड है, और जो थर्ड वाला है वो आउटसाइड है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, और एकदम जो लास्ट वाला है उसको जेनी कैलिपर कहा जाता है, या फिर इसको हार्माफ्रोडाइट कैलिपर भी बोला जाता है, लेकिन बहुत बड़ा नाम होने से सभी इसको हार्माफ्रोडाइट नहीं बोलते हैं, लेकिन इसको जेनी कैलिपर ही कहा जाता है। लेकिन आप लोगों का जो एग्जाम होता है वहां पर ये भी मेंशन किया होता, मतलब दे सकता है कि हार्माफ्रोडाइट कैलिपर का एक तो तस्वीर बनाई है, तो इसको याद रखिएगा। जो जेनी कैलिपर है तो उसका भी दूसरा नाम है हार्माफ्रोडाइट कैलिपर। ठीक है, यस ओके। मार्किंग और मेजरिंग टूल्स में नेक्स्ट आता है पंचेस, पंच। ठीक है, तो पंच दो तरह के पंच होता है, एक तो है डॉट पंच और एक तो है सेंटर पंच। डॉट पंच जो होता है उसका जो टिप है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल रहता है इसको, अगर इसका जो बॉडी है बॉडी के बराबर हम लोग अगर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जो एंगल निकल के आएगा वो 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो डॉट पंच का जो आप लोगों का जो एंगल है वो 60 डिग्री होता है, और जो सेंटर पंच है उसका एंगल निकल के आता है 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों ही पंच आप लोगों का हाई कार्बन स्टील से बना हुआ मिलेगा। ठीक है, बहुत ही हार्ड रहता है, किसी भी मेटल पे हम लोग अगर मार्क करना चाहते हैं तो पंच से करेंगे। तो पंच का क्या जरूरत है, मेटल में हम लोग क्यों पंच करना चाहते हैं। मान लीजिए किसी भी पॉइंट पॉइंट पे हम लोग को एक तो होल करना है, ड्रिलिंग करना है, तो अगर हम लोग उस ड्रिलिंग के पॉइंट को जहाँ पर हम लोग ड्रिलिंग करना चाहते हैं अगर वहां पर एक तो पंच से
मार्किंग कर दे तो वो विजिबल होता है, बहुत जल्दी से हम लोग उस पॉइंट को पहचान सकते हैं कि हमको यहाँ पर ड्रिलिंग करना है, इसीलिए पंच का यूज होता है। ठीक है, तो दो तरह के पंच होते हैं, एक तो है डॉट पंच और एक तो है सेंटर पंच। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़िएगा। ठीक है, डॉट पंच किस चीज के लिए यूज होता है, सेंटर पंच किस चीज के लिए यूज होता है, इसका एंगल कितना है, डॉट पंच का एंगल कितना है, सेंटर पंच का एंगल कितना है। आप लोगों का किसी भी इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो डॉट पंच है उसका एंगल कितना होता है। ठीक है, जो इंटरव्यू में ये मतलब क्वेश्चन आता है पंच के ऊपर में, छोटा छोटा चीज है, सब कोई इसको भूल जाता है, तो इसको बढ़िया से याद कीजिएगा कि डॉट पंच और सेंटर पंच का एंगल कितना है, कौन सा पंच का कितना एंगल है। दोनों ही पंच जो है वो बेसिकली जो ड्रिल करने के लिए जो पंच हम लोग यूज करते हैं वो है सेंटर पंच। ठीक है, और जो डॉट पंच है उसको हम लोगों को, मान लीजिए स्क्राइबर से हम लोग एक तो लाइन ड्रॉ कर लिए है, तो हम लोग जो लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर बहुत लाइन अगर ड्रॉ करेंगे या फिर मान लीजिए तीन चार मेटल है, एक तो लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर और एक तो मेटल रख दिया है, तो उससे क्या होता है, घिसने से थोड़ा लाइन का जो विजिबिलिटी है वो खत्म हो सकता है, इसलिए डॉट पंच को हम लोग यूज करते हैं। जो लाइन हम लोग स्क्राइबर से ड्रॉ किया है उसके ऊपर अगर हम लोग डॉट पंच से मार्किंग कर देंगे वो विजिबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए डॉट पंच का हम लोग यूज करते हैं। किसी को कुछ पूछना है पंच के बारे में? नो हाँ पूछिए संदीप। अभी एक टेस्ट में किया सर, नितेश सिंह राजपूत ने, ये भी सर का पंच है क्या आपके टेस्ट बात में देखिए समझ में सर, नहीं आया, हालांकि फिर चैट से बॉक्स वो। में आया अच्छा चैट सर, बॉक्स में नितेश है। सिंह राजपूत ने चैट बुक में कुछ डाला सर। अच्छा, प्रिक पंच जो डॉट पंच है उसी को प्रिक पंच कहा जाता है। ठीक है, जो 60 डिग्री एंगल है ना जिसका, उसको ही हम लोग प्रिक पंच कहते हैं। थैंक यू सर, बस ये कंफ्यूजन था मुझे। हाँ अच्छा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। मार्किंग और मेजरिंग टूल्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है वर्नियर कैलिपर। ठीक है, आप लोग एचएस में, अगर कोई एचएस दिया होगा, साइंस बैकग्राउंड है, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स, तो मैं इसका डिटेल्स में आज नहीं जाऊंगा, अलग से एक दिन एक तो क्लास दूंगा ओनली वर्नियर कैलिपर के ऊपर। ठीक है, इसका जो आप लोगों का जो जो मतलब जो इसका जो पॉइंट है, जो जो पॉइंट आप लोगों को जानना है वो इसमें एरो से हम लोग, मैंने इसको दिखाया है, तो इसका जो पॉइंट है इसको मतलब वर्नियर कैलिपर से हम लोग तीन तरह का मेजरमेंट कर सकते हैं। एक तो है इंटरनल मेजरमेंट कर सकते हैं, किसी भी सिलिंड्रिकल चीज हो या फिर स्क्वायर चीज हो, उसका इंटरनल कितना डेप्थ है या फिर इंटरनल कितना जो माप रहता है वो ले सकते हैं। वो किस चीज से ले सकते हैं, एकदम ऊपर में आप लोग देखिए इंटरनल जॉ लिखा हुआ है, इस जॉ से हम लोग इंटरनल माप ले सकते हैं किसी भी। ठीक है, इंटरनल जॉ के नीचे ही ठीक है एक्सटर्नल जॉ, तो किसी भी मेटल का हम लोग, मेटल सिर्फ के कोई भी चीज का एक्सटर्नल अगर कोई माप लेना है, नाप लेना है, तो हम लोग एक्सटर्नल जॉ का यूज कर सकते हैं। तो एक हो गया इंटरनल माप लेने के लिए इंटरनल जॉ, दूसरा हो गया एक्सटर्नल माप लेने के लिए एक्सटर्नल जॉ, और तीसरा हो गया एकदम राइट साइड में देखिए डेप्थ मेजरिंग ब्लेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस डेप्थ मेजरिंग ब्लेड से हम लोग डेप्थ का माप ले सकते हैं, गहराई का माप ले सकते हैं। ठीक है, तो माप मतलब नाप लेने के लिए यहाँ पर स्केल है। ठीक है, एक तो है मेन स्केल जो 0 से एकदम 15 डिग्री तक, जैसे सेंटीमीटर से मार्किंग किया हुआ है, ये जो बड़ा वाला स्केल है इसको हम लोग मेन स्केल कहते हैं। और यहाँ पर देखिए जो एक्सटर्नल जॉ के साथ है एकदम, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं ना, मैं अपना कर्सर जहाँ पर मूव कर रहा हूँ
यस सर, हाँ, इसे वर्नियर स्केल कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल। हाँ, और इस वर्नियर स्केल को हम लोगों टाइट करने के लिए लॉकिंग स्क्रू रहते हैं एकदम ऊपर में। तो इसका पॉइंट, जितना भी पॉइंट है आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा। इस वर्नियर कैलिपर से हम लोग तीन तरह का नाप ले सकते हैं, एक है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल और तीसरा है डेप्थ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मार्किंग और मेजरिंग टूल्स तो हो गया है। आप लोग किसी को पूछना है मार्किंग और मेजरिंग टूल में, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मार्किंग और मेजरिंग टूल्स में जितना भी मैंने दिखाया आप लोगों को, सबको समझ में आया ना? यस सर, यस सर। तो नेक्स्ट आते हैं स्ट्राइकिंग टूल में। स्ट्राइकिंग टूल आप लोग इमेज देख के ही समझ में आ गया है कि स्ट्राइकिंग टूल क्या है। कोई बताइए स्ट्राइकिंग टूल क्या है? स्ट्राइक कर लेंगे स्ट्राइक किसी करने भी के चीज को। हाँ, तो एक तो एग्जांपल बताइए आप लोग। हम लोग अपने जिंदगी मतलब जितने भी बड़े हुए हैं सब हैमर कोई हैमर 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 हाँ हैमर हैमर। ओके, तो स्ट्राइकिंग टूल का एकदम कॉमन जो है मतलब एग्जांपल है वो है हैमर। तो हैमर को हम लोग स्ट्राइकिंग टूल बोल सकते हैं। हैमर के साथ और भी है एक तो, देखे इधर इमेज में हम लोग सेकेंड इमेज में मैंने दिखाया है, इसको मैलेट कहा जाता है। ये भी हैमर की तरह ही होता है, लेकिन क्या होता है इसका जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ जो कॉन्टैक्ट है वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है या फिर ऊट का बना हुआ है होता है। ठीक है, इधर जो देखिएगा पहला वाला जो इमेज है इसमें एक तो बड़ा करके मैंने एक तो इमेज दिया हुआ है। तो इसे हम लोग मैलेट कह सकते हैं। ये मैलेट भी हैमर की तरह ही होता है। इसको मतलब कोई मान लीजिए कोई जो नरम चीज रहता है उसमें हम लोग को हैमरिंग करना है तो हम लोग वहां पर मैलेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो जो लोग जो गोल्ड का काम करते हैं मतलब गोल्ड से ऑर्नामेंट बनाता है, वहां पर अगर किसी चीज से स्ट्राइकिंग करना है तो वहां पर भी ये बहुत मैलेट का काम हम लोग मैलेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर पतला जो सीट रहता है जिससे अलमारी बनता है, ठीक है, वहां पर अगर हम लोग लोहे का जो हैमर रहता है उससे स्ट्राइक करेंगे तो क्या होता है उसका जो पतला सीट रहता है वो खराब हो सकता है। इसलिए जो ऊट से बना हुआ हैमर रहता है वो यूज करते हैं, उसे मैलेट कहते हैं। तो स्ट्राइकिंग टूल में ये आप लोगों का एकदम एक ही आप लोगों का जो एग्जाम्पल हैमर और मैलेट है तो उसी से हम लोग उसको ही स्ट्राइकिंग टूल कहते हैं। नेक्स्ट जो आता है फिनिशिंग टूल। फिनिशिंग टूल कहता है क्या होता है, जो वर्कशॉप में जो हम लोग किसी भी अगर कोई मेटल के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर दूसरे चीज के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसको फिनिशिंग टच देने के लिए जो चीज यूज करते हैं उसको फिनिशिंग टूल्स कहते हैं। फिनिशिंग टूल्स में जो आता है ठीक है वो है पहला वाला रीमर। रीमर क्या होता है, मान लीजिए एक तो हम लोग ड्रिल से या फिर किसी और चीज से होल किया हो, ठीक है, अब अगर वो होल जो ड्रिल किया हो वो एकदम परफेक्ट नहीं है, उसको परफेक्ट करने के लिए जो चीज का यूज करते हैं उसे रिमर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इसको सिर्फ याद रखिएगा, लास्ट लाइन में एकदम लिखा हुआ है इसका, जो रिमर इज यूज फॉर फिनिशिंग द होल टू करेक्ट साइज। किसी भी होल को हम लोग करेक्ट साइज करने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं उसे रिमर्स कहते हैं। ये भी फिनिशिंग टूल्स में आता है। और फिनिशिंग टूल्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है फाइल्स। फाइल्स फिनिशिंग टूल्स में आता है। ठीक है, ये जो फाइल है, फाइल बहुत तरह का होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ फाइल का इधर जो इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि फाइल का पार्ट्स
किसको क्या कहते हैं, जो आपने बोले अभी मेजरिंग टूल्स में पढ़ा जो वर्नियर, वो भी जैसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज है मेजरिंग टूल्स में, फिनिशिंग टूल में भी उसी तरह का बहुत इम्पोर्टेंट है फाइल। फाइल का भी आप लोगों का जो बॉडी है ठीक है, इसको किस पॉइंट को क्या कहते हैं इसको बढ़िया से याद कीजिएगा। यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर बढ़िया से इधर हैंडल लिखा हुआ है, इधर फेरोल लिखा हुआ है, इधर टैंग लिखा हुआ है। ये जो पोर्शन है जो हैंडल के साथ अटैच रहता है उसे टैंग कहते हैं। टैंग के जो साइड वाला पोर्शन है उसे शोल्डर कहते हैं। टैंक के ठीक ऊपर का पोर्शन को हम लोग हील कहते हैं। और इसको मतलब पूरा फाइल का जो साइड वाला हिस्सा उसको एज कहते हैं। और जो एकदम हेड है इसको, हेड है फाइल का, उसको टिप और पॉइंट भी कह सकते हैं। फाइल बहुत तरह का फाइल होता है ठीक है, हम लोग दो तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं फाइल का जो भाग होता है। तो पहला वाला जो भाग है वो है अकॉर्डिंग टू ग्रेड, किस ग्रेड का फाइल है उससे हम लोग फाइल का एथी करते हैं, डिवाइडेड कर सकते हैं। और दूसरा है अकॉर्डिंग टू टेट। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेड मतलब क्या है, जो फाइल के ऊपर जो मतलब जो दाग काटा हुआ है दाग कह सकते हैं उसको, उसको टीथ भी कह सकते हैं इंजीनियर के भाषा में, तो मैं नॉर्मल भाषा में बोला उसको जो जो दागी कटा हुआ है उसको ग्रेड कहते हैं। उसका कितना मतलब कितना अच्छे तरह से कटा हुआ, कितना बारीकी से कटा हुआ है और कितना मतलब डिस्टेंस ज्यादा है, उस हिसाब से हम लोग उसको मतलब डिफाइन करते हैं। तो पहला है रफ, रफ ग्रेड, जो रफ फाइल हम लोग कहते हैं। उसमें क्या है, जो 1 सेंटीमीटर में आप लोगों का 8 को टीथ आप लोगों को दिखाई देगा ठीक है। इधर जो इमेज है आप लोग देख सकते हैं इस इमेज को ठीक है, इधर देखिए जो सेकंड वाला इमेज है ठीक है, इधर 20 लिखा हुआ है ठीक है, इमेज नंबर 20 है। तो इधर इसका जो सेंटीमीटर का अगर हिसाब करें तो 1 सेंटीमीटर में 8 टीथ रहता है इस उस फाइल को। अगर कोई किसी भी फाइल में अगर ऐसे 1 सेंटीमीटर में 8 टीथ आपको दिखाई देगा तो उसको आप लोग रफ फाइल कह सकते हैं ठीक है। दूसरा है बास्टर्ड फाइल, बास्टर्ड फाइल में क्या है आपको 1 सेंटीमीटर में 12 टीथ दिखाई देगा ठीक है। और तीसरा है सेकेंड कट फाइल, उसमें आपको हर सेंटीमीटर में 16 टीथ दिखाई देगा। नेक्स्ट है जो स्मूथ फाइल, वो हर 20 से 24 टीथ दिखाई देगा। और जो डेथ स्मूथ है नेक्स्ट है जो, उसमें आपको 25 से 40 टीथ दिखाई देगा। 25 के ऊपर ही जब आपको टीथ देखने मिलेगा किसी फाइल में उसको आप लोग डेथ स्मूथ कह सकते हैं ठीक है। जब आप लोग 20 से 24 के बीच में आप लोग कोई भी फाइल में टीथ देख सकते हैं तो उसको सेकेंड स्मूथ फाइल कह सकते हैं ठीक है। तो इसी हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि 5 ग्रेड के हिसाब से 5 तरह की फाइल हम लोग देख सकते हैं। एक तो है रफ फाइल, दूसरा है बास्टर्ड फाइल, तीसरा है सेकेंड कट फाइल, चौथा है स्मूथ फाइल और लास्ट है जो डेड स्मूथ फाइल। अच्छा अकॉर्डिंग टू टीथ अगर आएंगे ठीक है, तो टीथ के हिसाब से इसमें भी 4 तरह के हम लोग फाइल देख सकते हैं। पहला वाला है जो सिंगल कट फाइल, सिंगल कट फाइल क्या है, इसका जो जो आप लोगों का जो एंगल रहता है जो टीथ का एंगल वो कितना रहेगा, 45 से 60 डिग्री रहेगा, उसको हम लोग सिंगल कट फाइल कह सकते हैं। या फिर दूसरे तरह भी आप लोग पहचान सकते हैं, देखिएगा ये जो रफ फाइल है इसमें एक ही टीथ है एक एक साइड में जा रहा है, लेकिन जो बास्टर्ड फाइल है एक तो टीथ है उसके ऊपर और एक तो टीथ है। तो इसको इस बास्टर्ड फाइल को हम लोग सिंगल कट फाइल नहीं कह सकते, लेकिन जो ये रफ फाइल है ठीक है, रफ फाइल के बगल में जो कोर्स फाइल कोर्स लिखा हुआ है इसको भी है, इसको भी हम लोग सिंगल कट फाइल कह सकते हैं ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है डबल कट फाइल्स, पहले तीनों को छोड़ के जितना भी फाइल्स है देखिए इसमें दो तरह से आप लोगों को कट देखने मिलेगा, दो तरह के टीथ देखने मिलेगा। एक एक तो है जो लेफ्ट से राइट जाता हुआ और एक तो है राइट से लेफ्ट जाता हुआ, दो तरह के टीथ आप लोगों को देखने मिलेगा, इसको हम लोग डबल कट फाइल कहेंगे।
ठीक है, ये जो फाइल का जो टीथ है वो 70 से 80 डिग्री होता है और ऑपोजिट साइड लिखा हुआ है। मतलब क्या है, एक तो है लेफ्ट से राइट तरह से जाते हुए और एक तो है राइट से लेफ्ट तरह से जाते हुए, मतलब दो टीथ है, मतलब दोनों एंगल में टीथ है। इसको हम लोग डबल कट फाइल बोलते हैं। और तीसरा है रफ्स कट फाइल। रफ्स कट फाइल का इमेज आप लोग पहले जो पहला वाला जो इमेज है उसमें आप देख सकते हैं। आप लोग घर में भी रफ्स कट फाइल का एग्जाम्पल शायद देखे होंगे, जो हम लोग जो ग्राइंड करते हैं ना, जो जिसमें हम लोग किसी भी चीज को सब्जी काटते हैं, वहां पर आप लोग देख सकते हैं ये जो रफ्स कट फाइल है उसका एक एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। और चौथा है कर्व टूथ। अब एकदम लास्ट वाला इमेज आप लोग देखिएगा, इसमें जो टीथ है वो थोड़ा कर्व है, ठीक है, सर्कुलर बॉडी का एक तरह हिस्सा है, तो इसको हम लोग कर्व टूथ कहते हैं। फाइल का जो जितना भी आप लोगों का एग्जाम्पल है, ये जितना भी मतलब डिवाइडेशन है, इसको बढ़िया से देखिएगा, इसके इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर फाइल के टाइप दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू शेप। शेप के अनुसार बहुत सारे फाइल हम लोग देख सकते हैं। तो ये है राउंड फाइल, इसका जो पूरा राउंड है, इसका जो टिप है पूरा राउंड है, तो इसको हम लोग राउंड फाइल कह सकते हैं। इसका इसको देखिए कि इसको हाफ राउंड फाइल कह सकते हैं। जो अगर कोई राउंड फाइल को 20 से हम लोग काटेंगे तो जो निकल के आएगा वो हाफ राउंड फाइल मिला। ये है ट्राइंगल फाइल, एकदम त्रिकोणाकार फाइल है, इसका जो टिप होता है वो एक तो ट्राइंगल है, तो इसको हम लोग ट्राइंगल फाइल कह सकते हैं। नेक्स्ट जो देखिए, इसका टिप एकदम स्क्वायर है, तो इसको हम लोग स्क्वायर फाइल कह सकते हैं। चौथा जो है, इसका टिप देखिए रेक्टेंगल की तरह है, तो इसको हम रेक्टेंगुलर फाइल भी कह सकते हैं। और एकदम लास्ट वाला जो है, ये भी रेक्टेंगल है, तो इसको भी हम लोग रेक्टेंगुलर फाइल कह सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा, फाइल का जो है ग्रेड ग्रेड के हिसाब से कितना फाइल है और आपका टीथ के हिसाब से किस फाइल का क्या नाम है। ओके, तो सबको समझ में आ गया ना क्या फाइल के बारे में? यस सर, यस सर। तो नेक्स्ट आते हैं मिसलेनियस टूल। मिसलेनियस टूल ये बहुत सारा टूल्स है, जितना भी हम लोग टूल्स के बारे में अभी तक पढ़ा है उसको छोड़ के जितना टूल्स रहते हैं उसको मिसलेनियस टूल्स हम लोग कह सकते हैं। जैसे कि हो गया स्क्रू ड्राइवर, हो गया स्पैनर, हो गया ठीक है स्पैनर, बहुत तरह के स्पैनर है, आप लोग इमेज में देख सकते हैं। जो इसका हेड के हिसाब से हम लोग स्पैनर का नाम बोलते हैं। इसका एक तो हेड में स्पैनर है, तो इसको सिंगल हेड बोल सकते हैं। और ये जो है बॉक्स की तरह है, तो इसको हम लोग बॉक्स एक स्पैनर कह सकते हैं। ये भी एक इस साइड में इसका स्पैनर है, तो इसको हम लोग सिंगल एंडेड स्पैनर कह सकते हैं। ओके, और जो इमेज है नंबर 6, जो इमेज है इसका जो स्पैनर का हेड है, इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग एडजस्टेबल स्पैनर कह सकते हैं, ठीक है। और नंबर 8 वाला जो इमेज है, इसको एलन रेंज कहा जाता है या फिर एलन की भी कहा जाता है। तो इतना ही था फिटिंग शॉप में, मैंने आप लोगों को बताया होल्डिंग टूल्स, कटिंग टूल्स, मार्किंग मेजरिंग टूल्स के बारे में, ठीक है। किसी को अगर किसी चीज को और जानकारी लेना है तो पूछ सकते हैं। तो पहले मैं रुद्र प्रताप को कहूंगा। रुद्र प्रताप, तुमको समझ में आया आज की क्लास में मैंने जो जो चीज बताया, होल्डिंग टूल्स, कटिंग टूल, समझ में आया ना? ओके, नेक्स्ट ओम प्रकाश मिश्रा।
ओम प्रकाश शाह है, सॉरी। यस सर समझ में आया सर। सर लेकिन इसमें सर हम लोगों को क्या प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल कर ये होगा या फिर थ्योरेटिकल भी कुछ पूछा जाएगा क्वेश्चन? नहीं, आप लोगों का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रोसेस वन का क्लास रहता है ना, यस सर, उसमें आप लोगों को ये व्हाट्सएप प्रैक्टिस से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को होल्डिंग टूल्स क्या है, कटिंग टूल्स क्या है, ठीक है। और वर्कशॉप प्रैक्टिस का जो आप लोग जब प्रैक्टिकल करने आएंगे तो उसमें भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 या 50 मार्क्स का वाइवा रहता है। तो वाइवा में ये सब क्वेश्चन जो वर्कशॉप के रिलेटेड जितना भी हम लोग थियोरेटिकल क्लास आप लोगों को कराएंगे तो उसमें ये सब चीज का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अभी तो मैं भाई मतलब गूगल मीट में पूरा आप लोगों को व्हाट्सएप में जो चीज है वो सही तरह से नहीं दिखा सकते, तो पहले थियोरी क्लास आप लोगों को करवा ले रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को एक टोक टोक करके दिखाएंगे के प्रैक्टिकल क्लास में जो ये जो होल्डिंग टूल्स है सारे होल्डिंग टूल्स को रख के दिखाएंगे, एक एक चीज को आप लोगों को दिखाएंगे किस तरीके का काम करता है, जो कटिंग टूल है वो किस तरह से काम करता है, जो मार्किंग टूल है वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। ओके थैंक यू ओके।